रामटेक पंचायत समिति के पूर्व सभापति व पिछले विधानसभा चुनाव में रामटेक के उम्मीदवार रहे उदय सिंह और गज्जू यादव ने आरोप लगाया है कि मुझसे से आम कार्यकर्ता को कांग्रेस ने रामटेक विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवारी दी थी, जिसके चलते जिले के प्रस्तापित नेताओं को मैं खटकने लगा। इसके चलते ही षड्यंत्र कर मुझे निलंबित किया गया है। आयोजित पत्र परिषद के दौरान वे बोल रहे थे। उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लेते हुए जिलाध्यक्ष राजेंद्र बुलक और मंत्री सुनील केदार की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर मुझे निलंबित किया गया है, उसमें मैं शामिल ही नहीं था। मैंने किसी नेता को अपशब्द नहीं कहे और न ही किसी से मारपीट की। उन्होंने बताया कि जिला परिषद उपचुनाव में उम्मीदवारी आवेदन रद्द हो ऐसे नाम पहले दिए गए थे। यह ध्यान में आते ही मैंने पर्यायी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने कहा था। अब मैंने पक्ष शिस्त तोड़ी है, इस कारण के चलते मुझे निलंबित किया। अब मेरी पक्ष शिस्त, मैंने क्या पक्ष शिस्त तोड़ी है, ये मुझे मेरे पार्टी से पूछूंगा। मेरी मांग ये है कि जो अगर मैंने कुछ किया हो तो मुझ पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर मैंने जब किया ही नहीं, वहाँ उपस्थित 150 लोगों में से पूछा जाए ना, वहाँ 150 लोग उपस्थित थे, 150 के 150 लोगों के बयान होने चाहिए। पार्टी ने किसी प्रतिनिधि को वहाँ भेजना चाहिए, उनके सारे के स्टेटमेंट मिलना चाहिए। मैंने किसी को अपशब्द किया हूँ, मैंने किसी से मारपीट किया हूँ, वो लोग अगर बताते हैं तो मुझे निलंबन मान्य रहेगा। एक वरिष्ठ नेताओं के नहीं, एक व्यक्ति के स्वार्थ के पीछे, सिर्फ एक व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र कराकर मुझे निलंबित कराया। ये हमारा आंतरिक मामला है पार्टी का। मैं मेरे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के ऊपर ऐसा प्रत्यक्ष आरोप नहीं करूँगा। मैं कांग्रेस में रहूँगा, मेरी फैमिली कांग्रेस की थी, मैं कांग्रेस का हूँ। पद पे नहीं रहूँगा, मैं किसी पद पे नहीं हूँ तो क्या लोग मेरे घर आते नहीं? मुझे कल निलंबित किए, सारे प्रेस में आए, मगर आज भी मेरे यहाँ 50 लोग अपना काम लेके आए ना, मैंने उनका काम किया। वो मुझे मानते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और एक सामान्य आदमी रह के भी मैं काम कर सकता हूँ, मुझे पद पे रहना जरूरी नहीं। यादव ने कहा कि पूर्व जिला परिषद सदस्य दुधराम सपा लाके से मेरा कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वे हमेशा अपनी उम्मीदवारी नकारे जाने पर कांग्रेसी उम्मीदवार को हराने की भाषा बोल रहे थे, जिसके चलते कार्यकर्ता भड़क गए। इस विवाद में धक्का मुक्की हुई और सपा लाके को हल्का जख्म भी लग गया, लेकिन इस घटना को मौका बनाकर कांग्रेसी नेताओं ने सपा लाके को मेरे खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने के लिए उपयोग किया है। उन्हें निजी अस्पताल में ले जाकर 3 टाके लगवा दिए। नेताओं ने डॉक्टर पर बेदम मारपीट और गंभीर जख्मी की रिपोर्ट बनाने का दबाव बनाया, लेकिन डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। जिले के एक मंत्री ने मेरे खिलाफ हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव भी डाला। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।